नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों की ओर। बहराइच में रविवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा 500 ट्रैक्टरों के साथ किसान रैली निकाली गई। इस रैली की अध्यक्षता भारत जनता पार्टी की लखीमपुर सांसद व भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य किसान भाइयों को जागरूक करना है। साथ ही कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए बहुत ही अच्छा बिल लाया गया था, हालांकि उनके विरोध के बाद इस बिल को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच जाकर विपक्षियों ने भ्रम फैलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। हमारा केंद्र नेतृत्व जल्द ही उनकी भी जांच कर संवाद स्थापित कर उन्हें हर तरह की मदद मुहैया कराने का कार्य करेगा। बहराइच से अनुराग गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हमारे किसान रैली जो निकाली जा रही है, हम अपने किसानों को अपनी योजनाओं को अवगत कराते हुए जो हमारी सरकार ने किसानों के लिए कार्य किए हैं और उन कार्यों को लेकर हम लोग जन जन तक जा रहे हैं और इस यात्रा से एक मैसेज देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे। इसके बावजूद भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं, हट नहीं रहे। देखिए, हमारे सरकार ने हमारे बिल आए थे जिसमें कुछ हमारे किसान भाई थे जो हमारे कहते हैं कि विपक्ष के जो उसमें नेता शामिल होकर जिस तरह से गतिविधियां कर रहे थे, लेकिन हमारी पार्टी ने बीच बीच में उनके साथ बैठने का पूरा प्रयास किया है, उनकी बात समझने का प्रयास किया है और निरंतर हम लोग उनके संपर्क में हैं। जो भी उनकी समस्या निकल के आती है, हम लोग बैठने के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व बैठा है, निरंतर हम लोग संपर्क करके उनके साथ बैठ रहे हैं। लेकिन उनको बैठने से क्या है कि वो बैठते तो हैं लेकिन चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, जबकि हमारा जो बिल है बहुत अच्छा बिल है, हमारे किसानों के हित में हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया था और कई बार हम लोगों ने उनसे वार्ता भी की कि इस समस्या का किसी तरह से समाधान किया जाए, उनको समझाया जाए कि इस बिल से क्या फ़ायदे होने वाले हैं हमारी जनता को, हमारे किसानों को, लेकिन वो नहीं इस बात को समझ पाए। प्रधानमंत्री जी ने अभी उस समय पहले पिछले हफ्ते बोला भी है इस चीज़ को और हमने वो बिल वापस भी लिए हैं और अभी एक दो समस्याएं लेके उन्होंने और विषय रखा है, उसमें भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहना है अगर वो बैठना चाह रहे हैं तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व बैठने के लिए तैयार है और उनकी समस्याओं का जो उचित समाधान होगा उसका भी समाधान किया जाएगा।